भारतीय टीम के हिटमैन रोहित शर्मा टीम के साथ फिलहाल ऑस्ट्रेलिया दौरे पर नहीं गए हैं। रोहित टेस्ट टीम में भारत का हिस्सा है, लेकिन फिलहाल वो फिट नहीं है। रोहित इन दिनों बेंगलुरु में बीसीसीआई के रिहैब सेंटर में है, जहां वो बोर्ड के फिजियो की देखरेख में अपने आप को फिट कर रहे हैं। लेकिन रोहित का फिटनेस टेस्ट 11 दिसंबर को होगा, जो ये तय कर देगा कि वो ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं या नहीं। खबर है कि उनकी हैमस्ट्रिंग चोट काफी जल्दी ठीक हो रहा है, लेकिन अब प्रक्रिया रोहित शर्मा की सही शेप में आने की है। रोहित ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर नेशनल क्रिकेट अकादमी से कुछ तस्वीरें साझा की थी। इसमें दिख रहा है कि रोहित ने कुछ वजन कम किया और वो बेहतर शेप में दिख रहे हैं। तो वही बीसीसीआई के एक सूत्र ने कहा, जब तक फिजियो की ओर से हरी झंडी ना मिल जाए, तब तक कोई खिलाड़ी कड़े शारीरिक टेस्ट से नहीं गुजर सकता। लेकिन अगर वो अपनी लोअर बॉडी की चोट के लिए रिहैब से गुजर रहा है, तो वो अपनी अपर बॉडी पर की कंडीशनिंग पर काम करके वजन कम कर सकता है। अपर बॉडी का कम वजन इस बात को आश्वस्त करता है कि चोटिल हैमस्ट्रिंग पर ज्यादा दबाव नहीं पड़े। इस साल के आईपीएल के दौरान भी रोहित काफी वजनदार दिख रहे थे और उनका वजन काफी ज्यादा लग रहा था। तो वही रोहित अपने नए फोटोज में काफी फिट दिख रहे हैं। रोहित टेस्ट में टीम इंडिया का साथ देंगे या नहीं, ये तो एक तारीख को साफ हो जाएगा। वैसे भी अगर वो ऑस्ट्रेलिया जाएंगे तो वो पहले टेस्ट का हिस्सा नहीं होंगे, क्योंकि उनका क्वारंटीन पीरियड पूरा नहीं होगा। लेकिन फिलहाल देखना ये है कि रोहित की फिटनेस रिपोर्ट क्या कहती है और क्या वो कंगारू देश की फ्लाइट में बैठेंगे।